फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर के बारे में। तो दोस्तों देखिए, 9 रुपये क्लोजिंग दी है आज शेयर ने, 25 पैसे शेयर गिरा है, 2.70% शेयर में आज आपको डाउनफॉल देखने को मिला है दोस्तों। तो इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि यहाँ पे दोस्तों क्या आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है वोडाफोन आइडिया में, कि यहाँ पे देखिए गिरावट कंटिन्यू रहेगी। उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। तो दोस्तों, अगर देखिए आज हम देखें तो वोडाफोन आइडिया में आप कह सकते हैं गिरावट ही रही, और अब करीबन आज जो इसने क्लोजिंग दी है वो बिल्कुल डे लो के पास दी है, जो 8.95 है। अब देखिए शेयर में आपको देखिए ऊपर के लेवल देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए आज 9.50 एक जो लेवल है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है शेयर। देखिए, अब 9.50 का लेवल अगर क्रॉस करेगा शेयर तो फिर एक देखिए तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए जो इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो जो अगर क्रॉस होगा तभी आपको यहाँ पर देखिए इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर आज के चार्ट के ऊपर नज़र डालें दोस्तों, तो देखिए आज का चार्ट देखेंगे आप तो देखिए सिर्फ एक गिरावट का सेशन ही देखने को मिला है, ऊपर का लेवल्स कहीं देखने को नहीं मिले। और देखिए आज का चार्ट ये वाला है, देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ अगर सुबह सुबह अच्छा खासा मूवमेंट दिखा रहा था शेयर, बट देखिए आज एंड होते होते शेयर में आपको एक गिरावट देखने को मिली और देखिए वो गिरावट कंटिन्यू रही। और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा अब आपको कॉशियस रहने की देखिए ज़रूरत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे शेयर 9 के नीचे ट्रेड करना जा रहा है। देखिए पहले 9 के पास जाता था तो देखिए वापस रिकवर हो जाता था, बट देखिए यहाँ पर अगर 9 के नीचे अब जैसे कि 8 रुपये आ चुका है, 8.95 या फिर 8.75 का अगर लेवल टूटेगा तो देखिए थोड़ी सी आपके लिए चिंता की बात होगी। बट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि रिकवरी ज़रूर दिखाएगा। ये देखिए ऐसे स्टॉक है जिस पे आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, और देखिए ये आपको वर्थ करेंगे। देखिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। और देखिए अगर नीचे मिल रहा है तो देखिए खरीद लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा मौका मिल रहा है। अगर वापस से शेयर चला तो देखिए इस बार 10 के पार जाएगा अगर यहाँ से चढ़ा शेयर तो, बट यहाँ से देखिए अगर 8.75 या 8.50 के नीचे शेयर जाता है तो फिर थोड़ी सी आपको चिंता की बात रखनी पड़ेगी चिंता, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों गिरावट का ये आपको एक रिएक्शन दे सकता है। अब दोस्तों अगर हम लास्ट पे बात करें टेक्निकल्स क्या चल रहे हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम टेक्निकल्स देखेंगे दोस्तों, देखिए लास्ट मिनट पे क्या हुआ है, लास्ट मिनट पे देखेंगे आपकी सेलिंग प्रेशर रहा है। आप देखिए सेलिंग प्रेशर रहा है 15 सेल 2 बाय, ऑसिलेटर्स बड़ी न्यूट्रल, लेकिन मूविंग एवरेजेस दोस्तों अभी स्ट्रॉन्ग सेल के मूड में है। उन लोगों ने आपको स्ट्रॉन्ग सेलिंग की यहाँ पे देखिए एडवाइस दी है, तो मुझे भी लगता है देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पे आपको कॉशियस रहना है। अदरवाइज देखिए नीचे मिल रहा है तो देखिए खरीदने में मुझे लगता नहीं कि कोई ज़्यादा नुकसान होगा। ये थोड़ा सा देखिए ऐसे स्टॉक्स है जिनमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंसली वर्क करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तभी आपको जाके प्रॉफिट देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मैं रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस बता देता हूँ, जिसको आपको नोट करना है। और ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि देखिए अगर इनके नीचे जाएगा तो गिरावट होगी, या फिर इसके ऊपर जाएगा तो और तेज़ी देखने को मिलेगी। अब देखिए अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस की बात करें, देखिए वही 8.48 और 8.88 जो आपको समझ सकते हैं कि देखिए ये इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है। शेयर 9 के नीचे चले गया, वो फर्स्ट हिट हो चुका है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखिए अब पे वो वर्क करना है कि देखिए यहाँ पे अगर शेयर इनके नीचे जाएगा 8.48 के नीचे तो आपको देखिए गिरावट देखने को मिलेगी। बट अगर दोस्तों फिर से शेयर ने आपको 9.50 का लेवल क्रॉस करके दिखा दिया और शेयर फिर 10 रुपये के ऊपर ट्रेड करना चालू कर दिया, तो फिर दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा साइन होगा शेयर के लिए, काफ़ी अच्छा संकेत होगा शेयर के लिए, यहाँ से तेज़ी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था, ओवरऑल आप इसको थोड़ा सा होल्ड करिए और देखिए नीचे मिल रहा है तो बाइंग करिए। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।